दोस्तों मैं विकास कोहली YouTube पे लेके आ गया हूँ टेनिस से रिलेटेड पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जो शानदार प्रदर्शन करे और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं खिलाड़ी। क्वार्टर फाइनल में खिलाड़ी जो पहुंचे हैं वो है सेबेस्टियन कोर्डिया। शानदार प्रदर्शन किया था, दो बार लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन फिनालिस्ट फाइनलिस्ट है, दोनों बार लगातार पहुंची है, डैनियल मेडवेडेव को हराया था, उसके बाद भी शानदार प्रदर्शन किया था, हुबर्ट हुरकेश हो रहा था, उसके बाद प्रदर्शन इतना शानदार नहीं कर पाए, दो सेट हार गए और उसके बाद रिटायरमेंट लेना पड़ा उन्हें इंजरी के चलते। होपफुली वो जल्दी से रिकवर हो जाएं और अगले टूर्नामेंट में खेले जो मास्टर्स होने वाले हैं दोस्तों और जो भी ATP टूर्नामेंट्स होने वाला है। मैच लेके हूँ ATP रैंकिंग 20 वर्सेज ATP रैंकिंग 31। 20 है रैंक कैरेन चोपड़ा और 31 है सेबेस्टियन कोर्डिया। दोनों प्लेयर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी क्वार्टर फाइनल पहुंचे और क्वार्टर फाइनल में कैरेन चोपड़ा ने तो ट्रैफिक वन साइड रखा। शुरू में पहले सेट में तो लग रहा था ट्रैफिक नहीं जा रहा था, बट धीरे 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 ट्रैफिक जाने लग पड़ा, वन साइडेड शॉट्स आने लग पड़े, कैरेन चोपड़ा शानदार प्रदर्शन करने लग पड़े। इसी कड़ी पोस्ट मैच एनालिसिस में वीडियो लेके आया। वीडियो में बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके पोस्ट मैच से रिगार्डिंग प्री मैच से रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ता हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस के फर्स्ट सेट की ओर, उसके ऊपर बढ़ूंगा। पहले सेट में तो शानदार प्रदर्शन किया दोनों खिलाड़ियों ने, सेबेस्टियन कोर्डिया ने भी और कैरेन चोपड़ा ने भी। इनफैक्ट शुरू में पलड़ा भारी रहा कैरेन का, क्यों कैरेन का पलड़ा भारी रहा, वो इसलिए कैरेन का पलड़ा भारी रहा क्योंकि उन्होंने सर्विस गेम शुरू में ब्रेक की थी, उसके बाद अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे थे और 5-3 था, सबिन फॉर द सेट कर रहे थे, लग रहा था कि पहला सेट जीत जाए। जैसे ही सबिन फॉर द सेट कर रहे थे तब सेबेस्टियन कोर्डिया ने हल्ला बोल दिया और उनकी सर्विस गेम ब्रेक कर दी, 4-5 किया, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 5-5 किया, फिर 6 सर्विस गेम की और सेबेस्टियन कोर्डिया ने भी 6 किया। कैरेन और सेबेस्टियन कोर्डिया 6-6 पे आगे बराबर, आया टाई ब्रेकर में सर्विस गेम, पहले कोर्डिया ने सर्विस गेम ब्रेक की जो मिनी ब्रेक हासिल होती है, फिर कैरेन ने की, फिर उसके बाद फिर से कैरेन ने की, 3-3 तक देखा जाए बराबर चल रहा था मामला। उसके बाद कैरेन वन साइड ट्रैफिक ले गए, सीधे 3-6 पे चले गए और वो 6-3 पे ही रहे। उसके बाद सेबेस्टियन कोर्डिया ने 8 सेट पॉइंट बचाया, 2 बचाए भाई, उससे ज्यादा नहीं बचाए और 7-5 से जीत गए। कैरेन जो पहला सेट और टाई ब्रेकर जीता 7-5 से और सेट जीता 7-6 से, शानदार प्रदर्शन किया। सेकंड सेट की बात करूं तो सेकंड सेट में शुरू में कोई सर्विस गेम ब्रेक नहीं हुई, 1-1 2-2 3-3, उसके बाद जैसे हुआ 3-3 फिर हुआ कन्वर्जन शुरू। क्या कन्वर्जन शुरू हुआ, सर्विस गेम का कन्वर्जन शुरू हुआ, 4-3 5-3 एंड फिर से एक बार सर्विस गेम ब्रेक 6-3 और 6-3 से सेकंड सेट जीता। पहला सेट तो टाई ब्रेकर में जीते थे, सेकंड सेट में ऐसी नौबत नहीं आने दी कैरेन ने, एक बार सर्विस गेम ब्रेक की, उसके बाद भी सर्विस गेम ब्रेक की, ये नहीं हुआ कि इस बार भाई सर्व आउट नहीं कर पाए, सर्व आउट करने की नौबत ही नहीं आने दी, क्यों, क्योंकि उन्होंने सेबेस्टियन कोर्डिया की ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी थी अपोनेंट प्लेयर की। थर्ड सेट की शुरुआत करें तो अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, सर्विस गेम आते ही ब्रेक कर दी, फिर से अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 3-0। 3 गेम्स दूर थे वो सेमीफाइनल में जाने के ऑस्ट्रेलियन ओपन में, शानदार प्रदर्शन करे हैं ओलंपिक के 2000 जब हुआ था 2021 में, बढ़िया प्रदर्शन किया था और फाइनल में पहुंचे थे, तब ज्वेरव से हारते, सिल्वर मेडलिस्ट है और इस बार भी शानदार प्रदर्शन करके अपने मेडन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं मेजर ग्रैंड स्लैम के और बढ़िया प्रदर्शन करते रह रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वेरी गुड टैलेंट है, जो को हेड्स ऑफ। सेबेस्टियन कोर्डिया का बहुत अच्छा सफर रहा, बट वो अगली बार कोशिश करेंगे भाई मैच हार जाए बट रिटायरमेंट नहीं ले, क्योंकि रिटायरमेंट लेने बीच में खुद ही प्लेयर होता है यार, इतना अच्छा खेल रहा था क्या हूँ किया ऐसा रिटायरमेंट, होपफुली उन्हें ज्यादा इंजरी सीरियस नहीं हुई हो। दोस्तों अगर मैं स्टैट्स की ओर बोलूँ तो स्टैट्स में एसीज भी ज्यादा लिए हैं, 10+ एसीज लिए हैं, दूसरी ओर एसीज 4 एसीज लिए, डबल फॉल्ट ज्यादा किए हैं उन्होंने एज कंपेयर टू कैरेन से। देखा जाए कैरेन का परफॉर्मेंसेज एसीज और डबल फॉल्ट में ज्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू, अगर स्टैट्स देखते हैं सेबेस्टियन कोर्डिया के, क्योंकि एसी ज्यादा काफी लिए हैं। दूसरी बार आता ब्रेक पॉइंट्स, टोटल ब्रेक पॉइंट है 2 out of 3, 2 बार सेव करने कामयाब हुए, एक बार सेव नहीं किया वो था फर्स्ट सेट जब सर्विस गेम सर्व आउट कर रहे थे, और दूसरी ओर देखा जाए 6 out of 10, 6 बार सेव किया सेबेस्टियन कोर्डिया, 4 बार सेव नहीं कर पाए, एक बार फर्स्ट सेट में, 2 बार सेकंड सेट में, 1 बार थर्ड सेट में, और उसके बाद ले लिया था उन्होंने रिटायरमेंट। टाई ब्रेकर का स्कोर रहा टाई ब्रेकर एक ही टाई ब्रेकर, और टाई ब्रेकर जीते हैं कैरेन, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं कैरेन। कैरेन का मैच होगा अगला जीरी के साथ, या होगा मैच स्टेफनोस सिसिपास के साथ, और सिसिपास जीत गया मैच तो सिसिपास के साथ मैच होगा, शानदार मैच होने वाला। अगर इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए कैरेन और सेबेस्टियन कोर्डिया के, 2-2 पे बराबरी हो गया है। पहला मैच जीते थे सेबेस्टियन कोर्डिया के खिलाफ, फिर उसके बाद लगातार 2 सेबेस्टियन कोर्डिया जीते और कैरेन आज मैच जीत के 2-2 पे बराबरी कर दी है। अब कैरेन चाहेंगे बढ़िया प्रदर्शन कंटिन्यू रखे, सेमीफाइनल भी जीते, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना,
कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।